नमस्कार, मैं हूं अनिल जायसवाल, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया न्यूज। सिवान शहर स्थित कलावती विवाह भवन में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की तरफ से हिंदू समाज की एकजुटता एवं अस्मिता की रक्षा करने के उद्देश्य से प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह के अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी प्रखंडों में सभी गांवों में शोभा यात्राएं निकाली गई। उस शोभा यात्रा में कई जगह कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शोभा यात्रा को रोका गया है और कुछ हमारे वहां के हिंदू भाई जो जिस जगह जिस स्थान पर अल्पसंख्यक के समान हैं उनको दबाया गया है और शोभा यात्रा निकालने से रोका गया है। अपने पड़ोस के जिला गोपालगंज में भी जिला मुख्यालय में राम जन्मोत्सव का शोभा यात्रा नहीं निकल पाया। इसी के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं, इस पर विचार करें कि कैसे हमारे हिंदुत्व को जो दबाया जा रहा है उससे हम लोग रक्षित करें, उसको संवर्धन करें, कैसे वहाँ विकास करें। इसी विषय पर आज सिवान जिला राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्य समिति का बैठक बुलाया गया है और संगठन का कैसे विस्तार हो, गांव-गांव में, जन-जन में कैसे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी पूरे हिंदू में, हिंदू के घर-घर में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी पहुंचे और हिंदुत्व की रक्षा की पाठ पढ़ाए और हिंदुत्व की सम्मान और हिंदुत्व के जो है आचरण अपनाने के लिए सभी हिंदुओं को एक सीख दें और एक जागृति फैलाएं कि हमारे सभी हिंदू भाई हिंदू संस्कृति को ठीक ढंग से अपनाएं, जो कि हमारे हिंदू संस्कृति सभी लोगों को रक्षा करने वाला संस्कृति है, सबका सम्मान देने वाला संस्कृति है और उसी संस्कृति पर आज कुठाराघात हो रहा है, उसको तोड़ने का साजिश हो रही है। इससे कैसे बचाया जाए, इसी के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाया। इस खबर में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।